हम बात कर रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज़ की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में जो है हमको 2% के ऊपर का अपसाइड देखने के लिए मिला है, 2% के ऊपर का अपसाइड। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक बाउंस बैक के साथ इस हाई को ब्रेकआउट दे सकता है और 180 तक के टारगेट दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पता होगा, हम देख सकते हैं 177.50 तक के यानी ऑलमोस्ट 178 तक के टारगेट दिखाए। हमारे कुछ टारगेट स्टॉक यहाँ से हिट करता नज़र आ रहा है, वहाँ से रिजेक्शन लेकर गिरावट देखने के लिए मिल रही। तो गिरावट के साथ स्टॉक ने जहाँ पहले रिजेक्शन फेस किया था उसी लेवल पर सपोर्ट लेता नज़र आया, 172 का लेवल। ब्रेकडाउन कर जाता है तो देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 170 का लेवल, और सबसे आखिरी सपोर्ट की बात करें तो ये जो इसका लो है जहाँ से बड़ी बाइंग हमको देखने के लिए मिली थी, 160-162 का लेवल रहेगा। जब तक 160 के ऊपर है रेन इंडस्ट्रीज़ में अपसाइड के चांस बने हुए हैं। अब दोस्तों इसके एक चार्ट पैटर्न पर एक दफ़ा नज़र डालो और इसको समझने की कोशिश करो कि चार्ट पैटर्न हमसे क्या कह रहा है कि इसमें अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है या डाउन साइड या गिरावट। तो चार्ट पैटर्न बता रहा है कि इसमें हमको अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? सबसे पहले इसके ट्रेंड को देखो तो हायर आई पैटर्न है, अप ट्रेंड है इसका हायर आई पैटर्न के साथ। फिर इसके एक ट्रेंड लाइन देखिए कि जब भी गिरावट आई है स्टॉक ने अपने रिसेंट लो को कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं किया है, अपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लेकर जंप दिखाता नज़र आ रहा है, अपसाइड दिखाता नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से गिरावट आती भी है तो 170 तक का फॉल दिखा सकता है जहाँ से हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी, यहाँ से अगेन स्टॉक का खेल पलटते नज़र आ सकता है। अब जहाँ क्लोजिंग दी है उसी लेवल के आसपास से अगर स्टॉक बाउंस बैक होता है तो इमीडिएट टारगेट बनेगा ये जो इसका हाई है 178 का लेवल। ब्रेकआउट कर गया तो 180 तक का जब स्टॉक दिखा सकता है, इसका रेजिस्टेंस एरिया ये, इसके आसपास थोड़ा सा फ्रेश बाइंग अवॉइड करना ठीक रहेगा। इसको ब्रेकआउट करने देते हैं स्टॉक को, और ब्रेकआउट के ही चांस बने हुए क्योंकि हम देख सकते हैं स्टॉक में बड़ी बाइंग स्टॉक ने दिखाई है हमको और उस अकॉर्डिंग उतना बड़ा सेलिंग अभी तक हमको देखने के लिए नहीं मिला, तो ब्रेकआउट के चांस बने। 180 का ब्रेकआउट कर जाता है रेन इंडस्ट्रीज़ तो अगला टारगेट 190 और 194 से लेकर 200 तक के भी टारगेट फिर रेन इंडस्ट्रीज़ में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।